শুধুমাত্র সরকারি চাকরির উপর নির্ভর না করে নিজেদের সাধন ব্যবহার করেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের স্বপ্ন দেখতেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। নতুন ভূমিকায় আর বড় দায়িত্ব নিয়ে আজ যখন তিনি রাজ্যসভা সাংসদ, তখন সেই স্বনির্ভর ত্রিপুরার স্বপ্নতেই ঝলমল করে বিপ্লব কুমার দেবের চেতন আর মনন। রবিবার বিলিভার্স খ্রিশ্চান চার্চের অনুষ্ঠানে জাতি জনজাতি অংশের মানুষের সামনে সেই স্বনির্ভর ত্রিপুরার স্বপ্নই উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরলেন তিনি। জাতি জনজাতির আশীর্বাদ নিয়েই যে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সেই কথায় পরম আন্তরিক ভাষায় উল্লেখ করেন রাজ্যের জনপ্রিয় নেতা। রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে তার দায়িত্ব আর রাজ্যের মানুষের সামগ্রিক উন্নয়ন তার সর্বক্ষণের সঙ্গে। অনুষ্ঠান মঞ্চে তাই অকপটভাবে জানালেন, এবার রাজ্যসভার অধিবেশন শুরু হবার পরে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সভায় উপস্থাপন করবেন তিনি, যার মধ্যে একটি হল কৈলাস শহরের নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ আর রাজ্যে আগর বোর্ড গঠন করা। বড় মাত্রায় জনজাতি হয় আর ইসমে 20 প্রধান জনজাতিয়া হয় আর ভি ছোটে ছোটে জনজাতি হয় ত্রিপুরা মে। আর মুঝে গর্ব হতা হয় जो उस इतना सुंदर जनजातियों का समावेश, जाति जनजाति का जो हमारे सुंदर सा प्रदेश है, उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के ब्लेसिंग से मुझे मुख्यमंत्री के नाते काम करने का बहुत अच्छा सुनहरा सफर मिला है। और आज मैं त्रिपुरा के एक ही राज्यसभा का एमपी हूँ, पूरे त्रिपुरा से दो लोकसभा का है और एक राज्यसभा का है। मुझे चुन के भेजा गया है अपर हाउस में, भारत के सबसे बड़ी जो पंचायत है उनमें भेजा गया है और मैं तन मन से कोशिश करूंगा त्रिपुरा के हर डेवलपमेंट की बात इस हाउस के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचे, केंद्रीय मंत्री तक पहुंचे, ऐसा मैं काम करूंगा। जैसे मैंने सोच भी रखा है, इस बार जब सेशन शुरू होगी तो मैं कैलाश शहर एयरपोर्ट की बात सबसे पहले उठाऊंगा, क्योंकि दूसरा एयरपोर्ट जब होती है तो राज्य का विकास होती है। एयरपोर्ट जब बनती है राज्य का विकास होती है, उसके साथ संपर्क है। दूसरा और एक बात उठाऊंगा, वो है आगर बोर्ड बनाने के लिए। স্বনির্ভর ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখা বিপ্লব কুমার দেব জানান, রাজ্যে আগর শিল্পের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এই শিল্পে আগামী 5 বছরে 10,000 কোটি টাকা লগ্নির সম্ভাবনা রয়েছে। আগর থেকে বাঁশজাত দ্রব্য দিয়ে তৈরি বিভিন্ন দ্রব্য রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করেই যে ছলমলে সমৃদ্ধ ত্রিপুরার স্বপ্ন সফল করতে হবে সেই কথাই নিবিড়ভাবে উল্লেখ করেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। एक करोड़ 25 लाख आसपास आगर के पौधे त्रिपुरा में है अभी, और उसमें 50 लाख मैच्योर है, जिससे अगले 3 साल के अंदर 2 से 2.5 हजार करोड़ की इकोनॉमी बन सकती है। साथ ही साथ ये आगर बोर्ड जो बनेगी तो कर्नाटका, असम और त्रिपुरा, एक तीन राज्यों लाभान्वित होगी और इसका इकोनॉमी अगले 5 साल में 10,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। आज के देश में सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो टी बोर्ड है, उसका टर्नओवर 30,000 करोड़ है देश में। उसके बाद रबर बोर्ड है वो 20,000 करोड़ के आसपास है, उसके बाद कॉफी बोर्ड है उसका शायद 6,000 करोड़ के आसपास है, उसके बाद स्पाइस बोर्ड है वो भी 25,000 करोड़ के आसपास है, किंतु आगर बोर्ड भी जो बनेगी तो इसमें त्रिपुरा बहुत बड़ी लाभान्वित होने वाली राज्य में आएगी। और देखिए, इस धरती ने जो हमको दिया है उसी में से रोजगार सृजन करना पड़ता है। जब आगर है तो उसको हम प्रोसेसिंग करके जब इससे परफ्यूम बनाएंगे, इत्र बनाएंगे, इनके आगर का जो पत्ता है वो भी मेडिसिनल वैल्यू है, इससे बहुत कुछ बनता है और ये मिडिल ईस्ट में अच्छा मार्केट है, उसकी बिकता है। तो मैं जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मैं
नया क्या कर सकता हूं त्रिपुरा के लिए, क्या सोच हो सकती है, और जो हमारे पास है उसमें से ही रास्ता निकलना पड़ता है। हम दूसरे से लाएंगे उसके बाद करेंगे, ये होती नहीं वास्तव में, एक सपना होती है वास्तव में नहीं होती। जो हमारे पास है उसी में से करना, जैसे हमारे पास बांबू है मतलब बांस है, तो हमने बांस से त्रिपुरा में बांस की बोतल बना लिया, कंटेनर बना लिया। आज बांस की बोतल जो दुबई के बाजार में एक बोतल 3,000 रुपया में भी बिकता है, न्यूनतम 800 रुपये में बिकता है, हमारे ऑनलाइन बिकता है, यूरोप में बिकता है त्रिपुरा के बांस के बोतल। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था जब बांस से बोतल बनाएगा और वो बिकेगा, ऐसा किसी को सोच कभी नहीं थी। ज्यादातर कभी कभी जनजाति एरिया में बांस से गिलास बना लेता था, उसमें पानी दे देता था, लेकिन तो बांस से बोतल बना के वो बिकेगी और हाई क्लास में बिकता है। और एक बांबू से, एक बांस से कम 7 बोतल बन जाती है, 6-7 बोतल बनती है। और जो बनती है, एक बांस का कीमत कितना है, भारी बांस की ज्यादा से ज्यादा 50 रुपया। इसको प्रोसेसिंग करना, उसके साथ स्टील के कोई कांच के अंदर डालना, वह तांबे के डालना, कॉपर की, वो डालने के बाद भी इसमें एक बोतल में खर्चा 2-400 रुपये के ऊपर होती नहीं। और बैम्बू तो 50 रुपया में 7 बोतल बन जाता है, एक एक बोतल 3,000 हो तो 3-7 21,000 में बिकता है। बांस कितना 50 रुपया का है, और उसके साथ कॉपर का बोतल अंदर दे भी दे, एक एक बोतल 200-250 में खरीदे, 300 में खरीदे, तो 3-7 2100 रुपये और 7-7 इधर 50 रुपये, और बाकी प्रोसेसिंग माने 4-5 हजार रुपया खर्चा करके 21,000 रुपया कमाई कर सकता है एक बार से। জনজাতি ঐতিহ্য আর জীবন চর্চার সঙ্গে বাঁশের মধুর সম্পর্কের কথাও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের বাঁশ দিয়ে তৈরি বাঁশের বোতল দুবাইয়ের বাজারে এখন উচ্চ মূল্যে বিক্রি হয়, আর এইভাবেই এগিয়ে চলে আগামীর পথ চলা। বিপ্লব কুমার দেবের প্রেরণা আর উৎসাহে বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের জীবনকে সুজল সুফল করার জন্য জাতি জনজাতি উভয় অংশের যুবক যুবতীরাই পরম আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে। আর চাকুরি করে হতাশ হবার বদলে নতুন ত্রিপুরার প্রতিনিধি এই সব স্বপ্ন দেখা যুবক যুবতীরা আজ নিজের উপার্জনে আরও 5 জনকে উপার্জন দিচ্ছে। সময়কে অতিক্রম করে নিজের দূরদৃষ্টি দিয়ে যে নেতা মানুষের চিন্তা আর চেতনাকে প্রভাবিত করে, সেই তো প্রকৃত নেতা। নিজের 4 বছরে মানুষকে স্বপ্ন দেখার আর সেই স্বপ্নকে বাস্তব করে তোলার রাস্তায় দিক নির্দেশ করে গেছেন বিপ্লব কুমার দেব। উন্নত ত্রিপুরার প্রতি প্রান্তে তাই তার ভালোবাসার মানুষ ছড়িয়ে আছে অজস্র অসংখ্য। ব্যুরো রিপোর্ট, আর ই নিউজ।